रविंदर सिंह जी नमस्ते। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। और सर आपको नवे वर्ष की बहुत बहुत बधाई होवे जी। आपको भी रविंदर जी, आपके बारे में कुछ बताइए जी। सर मैं जागृति एफपीओ का मेंबर हूँ जी, और सर हमारे पास हमारे साथ 285 किसान हैं, वो शेयर होल्डिंग है, और 115 जो किसान हैं वो और जुड़े हुए हैं, और वो भी हमारे साथ जल्दी शेयर होल्डिंग हो जाएंगे। ये आपको एफपीओ बनाने का विचार कहाँ से आया? सर पहले हमारा किसान क्लब था, और उस पर हम थोड़ा थोड़ा काम करते थे, जैसे दालों का, गुड़ का और सरसों के तेल का, और 2015 में हमने एफपीओ बनाई नबार्ड की मदद से। अच्छा रविंदर जी, मुझे बताया गया कि आपके एफपीओ ने कस्टम हायरिंग सेंटर सीएससी भी बनवाया है। आपके सीएससी के जरिए किसानों को क्या सेवाएं दे रहे हैं? सर हमारे पास एक सुपर सीडर है, 3 हैप्पी सीडर है, 2 रूटावेटर और 3 जीरो ट्रेलर है, और एक चॉपर और एक मल्चर भी है जो पराली को जमीन में ही दफन कर देते हैं। और सर पहले तो हमने 100 एकड़ में ही काम किया था, और जब हम किसानों को पता चला कि इससे पराली को जलाने से निजात मिलती है, और अब हम 100 हेक्टर में काम कर रहे हैं, और हमारे किसान हैं वो खुश भी हैं कि पराली जलाने से निजात मिल रही है बहुत। अच्छा इतना बड़ा काम आपने किया है, तो सीएससी की तरफ से भी कोई लाभ मिला है आपको? जी सर मिला है, नबार्ड और आपकी जो सरकारी है, जो मशीनरी है, उससे लाभ मिला है जी। रविंदर जी आपने खेती में उसमें भी कुछ नए प्रयोग किए होंगे, क्योंकि आप बड़े प्रगतिशील किसान हैं, तो तकनीकों की दृष्टि से क्या इस्तेमाल किया है? जी सर किए हैं, जैसे सीधी बिजाई है धान की, और सीधी बिजाई से यह है कि हमें पानी से भी छुटकारा मिल, पानी कम लगाने की जरूरत पड़ती है, और लेबर से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। और सर हमने एक सर्वपक्षीय कीट प्रबंधन है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से और नबार्ड के मदद से चल रहा है, हमारे जो किसान हैं वो उसे काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया जो है मिल रहा है। रविंदर जी आपका काम हमारे पास, और सर एक है जो हमारे पास सुपर सीडर है, उसे जो पराली जमीन में दफन कर कर गेहूं की बिजाई जो बहुत बढ़िया होती है, उससे जो लेबर का और पैसों का भी पैसा जो फर्क पड़ता है। और सर हमने अपने किसानों के लिए इसको की एजेंसी, कैटल फीड की एजेंसी भी ले रखी है, जिससे कि किसानों को फायदा पड़ता है, जैसे बाजार में 1300 रुपए पर बैग मिलता है, और हम अपने किसानों को 1250 ही बैग में 1250 रुपए में ही बैग उपलब्ध करा देते हैं। सर रविंदर जी बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय को प्रस्तुत किया, आपका काम पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि सभी किसान भाई पराली प्रबंधन से संबंधित जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप साझा करें। जैसे आप और आपके साथियों ने जिस तरह पराली प्रबंधन का कार्य बेहतर तरीके से किया है, आसपास के किसानों को प्रेरित करके पराली जलाने से रोका है, वो किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। पराली के वैकल्पिक उपयोग में पर्यावरण को लाभ होता है, साथ ही किसान की आर्थिक रूप से वो सशक्त होता है। आपको इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बधाई।